हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ पोकेमॉन इंग्लिश। एंड जहाँ पे हम लोग पिछली बार अपने पहले जोडो एलियट फोर के मेंबर को हरा दिया था एंड जिसका नाम है इवान, तो इवान को हमने लास्ट एपिसोड में हरा दिया था। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा नहीं है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लो। तो हमने फाइनली इवान को हरा दिया था एंड आज के एपिसोड में हमें अपने दूसरे एलियट फोर मेंबर को हराना है। तो चलो चलते आगे की डोर की उधर से अपने सेकेंड एलियट फोर मेंबर के पास। एंड जो अपनी सेकेंड एलियट फोर मेंबर है वो है विटनी। एंड विटनी एक नॉर्मल टाइप ट्रेनर है ये मेरे को मालूम है, तो आई थिंक सो अभी मुझे थोड़े फाइटिंग टाइप मूव्स अपने पोकेमॉन्स को सिखाना चाहिए। तो मिल्टैंग से पहले बात करते हैं। हाँ, डोंट यू थिंक विटनी इज अ डिट? वेल मे बी सी सॉर्ट ऑफ डिट, बट हॉन वी विल हैव अ ग्रैंड बैटल एनीवे। तो हमें नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स से बैटल करना है तो फिर फटाफट मेरे को थोड़े फाइटिंग टाइप मूव्स सिखाने पड़ेंगे अपने पोकेमॉन्स को। एंड फाइटिंग टाइप मूव्स है क्या मेरे पास? क्या है भी नहीं यार, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर फाइटिंग टाइप मूव नहीं रहेंगे तो फिर भाई दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे तो कोई भी फाइटिंग टाइप मूव दिख रहा नहीं है, एक फोकस पॉइंट दिख रहा है मगर उसके लिए भाई बहुत पापड़ मिलने पड़ेंगे, वो मूव जल्दी लगता नहीं है। तो व्हाट्सअप नेक्स्ट, यहाँ पे कोई है क्या फाइटिंग टाइप मूव? आइस ब्लिजर्ड, हाइपर बीम, सोलर बीम, थंडर बोल्ट, अर्थक्वेक, डिग, साइकिक, शैडो बॉल, क्लच बॉम्ब, फायर ब्लास्ट, रॉक टॉम, एरियल एस, मून ब्लास्ट, अट्रैक्ट, थीफ। थीफ कौन सा टाइप है? डार्क टाइप है। एंड ये क्या है? स्टील टाइप। और ये साइकिक एंड ओवर इट। तो यार हमारे पास एक भी फाइटिंग टाइप मूव है ही नहीं यार, तो ये तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। तो ये मैंने चेकआउट नहीं किया था एलाइट फोर को हराने से पहले आने, यार मेरे को चेकआउट करना चाहिए था सब, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे मेरे पास कोई फाइटिंग टाइप मूव है ही नहीं यार, कोई भी नहीं। तो एक फाइट ही है तो इसको ही अभी फोकस पंच जो है उसको ही सिखाना पड़ेगा अभी सबको। एंड यहाँ पे स्वाम्पट एबल है तो स्वाम्पट को पहले सिखा देते हैं। यार ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, आइस बीम को फटाफट डिलीट कर देते हैं क्योंकि आइस बीम भी हम उसको कभी भी सिखा सकते हैं एंड हमारे अपने पोकेमॉन को हील आउट भी करना पड़ेगा अभी। एंड फोकस पंच एक और पोकेमॉन को सिखा देता हूँ। फ्लोर जेल भी एबल है तो फ्लोर जेल को भी सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हम क्या आइस बीम इससे भी डिलीट करवा सकते हैं। एंड व्हाट्सअप नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फाइटिंग टाइप मूव है जो है फोकस पंच, तो उससे हमें काम चलाना पड़ेगा। एंड टाइफ्लोजन से हम क्या डिलीट करा सकते हैं फ़िलहाल के लिए? टाइफ्लोजन से हम फिलहाल के लिए डिग यूज़ नहीं करने वाले हम, एंड क्योंकि डिग एक हमारे पास टीएम पहले से पड़ा हुआ है तो हम डिग कोई भी पोकेमॉन को कभी भी सिखा सकते हैं। तो अभी हमें थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी एंड थोड़े अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे है जो मैक्स पोशन उसको मैं स्वाम्पट के ऊपर यूज़ कर लेता हूँ एंड फिर चारिस आर्ट को भी मैक्स पोशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी मैक्स पोशन से फुल हील कर दिया मैंने। मीन्स रिस्टोर, उसकी सारी की सारी एचपी वापस रिस्टोर हो गई है। एंड गाड़ी वर्क भी थोड़ी फेंट, मतलब वो भी थोड़ी बैटल में आई थी तो उसके लिए उसका भी थोड़ा डैमेज हुआ था। तो यहाँ पे अभी हम रेडी हैं एंड पोकेमॉन कम्युनिटी में अपने पहले नंबर पे स्वाम्पट हैं एंड स्वाम्पट बेटर चॉइस है अपनी टीम में। तो यार फाइनली अब हम विटनी से बैटल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके आगे वीडियो देखा नहीं तो आपका यहाँ तक का वीडियो देखना वेस्ट जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। एंड फाइनली अभी हम विटनी को डिफीट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो विटनी से भी बैटल करते हैं। विटनी, हियर पॉल, इट इज़ वे ऑसम दैट यू बीट इवान, आई न्यू यू कुड डू इट एंड नाउ वी गेट टू बैटल, लेट्स डू इट। तो लेट्स डू द बैटल। तो विटनी से बैटल करने में हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि विटनी हमारी एक पुरानी दोस्त भी है एंड विटनी को हमने बहुत बार हेल्प भी किया है। तो आई थिंक सो कि विटनी को हमने हेल्प किया है मगर विटनी ये बात बैटल में नहीं उतारेगी एंड वो बैटल में अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ हमसे बैटल करेगी। तो क्लिफेबल आई थिंक सो एक नॉर्मल एंड फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो क्लिफेबल के लिए मैं फोकस पंच एक बार ट्राई करता हूँ। लगा तो लगा, वरना क्लिफेबल ने हमें कोई अटैक मार दिया तो फिर बेली ड्रम अटैक किया इसने एंड इससे उसकी खुद की एचपी डाउन हुई है। तो फोकस पंच इसको लग गया है तो आई थिंक सो क्लिफेबल फेंट हो जाएगी अभी क्योंकि फोकस पंच का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है मगर क्लिफेबल तो उसको सह लिया, वो फेंट नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है अभी, तो इस बार मैं अर्थक्वेक ट्राई करने जा रहा हूँ। एंड व्हाट, ओहो, विटनी ने फुल रीस्टोर यूज़ कर लिया। तो विटनी ने तो पहले ही पोकेमॉन से अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया यार। विटनी को हमने पहले हेल्प किया है तो क्या हुआ, मगर विटनी उस बात को भूल चुकी है एंड वो हमें हराने की पूरी कोशिश करेगी।
तो हमें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने विटनी को पहले हेल्प किया है वो यहाँ बैटल में काम नहीं आने वाले, एंड विटनी अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो वो अपने ड्यूटी के साथ पूरी की पूरी 100% फैमिलियर है, एंड वो हमें कोई भी हेल्प नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे हमारे फ्लोटजेल ने क्लिफेबल को हरा दिया है, एंड नेक्स्ट पोकेमॉन जो है वो कौन है, नेक्स्ट पोकेमॉन कौन है, लिकी लिकी है। तो लिकी टंकी एक एवोल्यूज इवॉल्व फॉर्म है लिकी लिकी, एंड लिकी लिकी को हराने के लिए मैं फोकस पंच ट्राई करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है लिकी लिकी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है कि नहीं, मेरे को लिकी लिकी के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है यार। तो लिकी लिकी कौन सा टाइप का पोकेमॉन है आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, एंड मैं भी चेकआउट कर लूँगा बाहर जाके वीडियो को, मतलब वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करना है, इसके लिए फटाफट जिसको बैटल कर लेते हैं। तो ये क्या भाई टॉक्सिक कर दिया इतने, तो मैं अभी मेरे को हील करना पड़ेगा पोकेमॉन को। एंड स्वैम्पट ने फोकस पंच यूज़ कर लिया है, तो देखते लिकी लिकी फेंट होता है कि बच जाता है, क्या होता है। लिकी लिकी जस्ट बच गया, एंड ये जो पॉइजन किया है इसने उसे मेरे को फटाफट हील करना पड़ेगा वरना स्वैम्पट की हालत ख़राब हो जाएगी यार। तो मैंने अपने बैग में फुल हील रखा था, ओ सॉरी यार, यहाँ से मेरे को फुल हील लेना पड़ेगा फटाफट। ये रहा फुल हील, एंड देखते हैं और कोई हीलिंग पावर है क्या हमारे पास, हील करने के लिए और कुछ नहीं है क्या। तो मैक्स रिवाइव भी है हमारे पास, ओहो गलती से गलत बटन दब गया यार, शिट किधर गया बैरी, ये रहा और एक ही आइटम्स हैं, एंड आइटम्स ये रहे। तो यहाँ पे कोई भी हीलिंग अदर हीलिंग ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हील करने के लिए हमें फुल हील की ज़रूरत पड़ेगी अब। एंड स्वैम्पट हील हो जा भाई फटाफट। एंड लिकी लिकी ने विश अटैक किया है, एंड विश से क्या होगा कि उसने कोई विश मांगी है, तो उसकी विश क्या है वो सिर्फ उसको ही मालूम होगा, एंड अपन को कैसे मालूम पड़ सकते कि कोई क्या विश मांगे। तब मुझे बैग में नहीं जाना है, एंड अपन लोग को अभी लिकी लिकी को हराना है। तो अब मैं अर्थक्वेक ट्राई करने वाला हूँ, अर्थक्वेक एक बेटर मूव है, एंड अर्थक्वेक ज़्यादातर पोकेमॉन को हरा देते हैं, एंड लिकी लिकी भी हार चुका है यहाँ पे। तो अभी टोगेकिस आ रही है, एंड टोगेकिस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अपनी गाड़ी और को, या फिर मैं बुला सकता हूँ टाइफ्लोजन को। एंड टाइफ्लोजन एक फायर टाइप पोकेमॉन है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि वो टोगेकिस को हरा सकता है। एंड टोगेकिस एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, साथ में एक नॉर्मल टाइप है कि नहीं वो भी मेरे को ट्रूली कन्फर्म नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने टाइफ्लोजन को भी फोकस पंच सिखाया था, तो एक बार फोकस पंच ट्राई कर लेते हैं। अगर ये टोगेकिस नॉर्मल टाइप पोकेमॉन रहेगी तो इसको बहुत गंदा वाला इफेक्ट देने वाला है अभी फोकस पंच। एंड फोकस पंच तो अभी किसी ने टाइफ्लोजन की जो क्या बोलते फोकस है वो किसी ने तोड़ा नहीं, इसके लिए फोकस पंच लगा, एंड फोकस पंच से इसको बस थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि एक साइकिल टाइप पोकेमॉन है, एंड इस पोकेमॉन को फाइटिंग टाइप मूव से इतना कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ट्राई करना पड़ेगा फ्लेम थ्रोअर जो एक फायर टाइप मूव है, एंड ये मतलब टाइफ्लोजन का वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल मूव भी है फ्लेम थ्रोअर। तो ये भाई टोगेकिस समय तो बहुत डैमेज दे रही है, टोगेकिस को हमारी मूव्स के इतने कुछ असर भी नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़े से पोकेमॉन या फिर मैं अर्थक्वेक ट्राई कर सकता हूँ, ये हवा में उड़ रही है कि क्या है ये हमें अर्थक्वेक ट्राई करने से पता चलेगा, एंड ये इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हवा में उड़ रही है। तो ये अपना क्या डिफेंस एंड अटैक पावर दोनों बढ़ा रही है ना, अटैक पावर बढ़ गया है, स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस बढ़ गया है इसका। तो हमें इसको फटाफट हराना पड़ेगा वरना अगर ये ऐसे ही अपनी स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस बढ़ाते रहेगी तो हमारे लिए दिक्कत होने वाली है आगे जाके। एंड यहाँ पे मेरे को बुलाना पड़ेगा गाड़ी और को, क्योंकि गाड़ी और के पास थंडर टाइप मूव है एंड साइकिल टाइप मूव भी है। तो यहाँ पे हम गाड़ी वॉर से टोगेकिस को हरा सकते हैं, एंड मैंने पहले भी गाड़ी वॉर से टोगेकिस को हराया बहुत बार, और ये भाई लगातार अपना स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस को बढ़ाते जा रही है। तो अभी ये दिक्कत होने वाला है कि इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड इसकी अटैक पावर भी बढ़ गई है, तो इसको अगर हमने फटाफट हराया नहीं ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका भी अटैक इसने कुछ डैमेज नहीं देंगे, एंड इसके जो अटैक है हमें बहुत डैमेज देंगे क्योंकि इसका स्पेशल पावर एंड स्पेशल डिफेंस, स्पेशल अटैक पावर एंड स्पेशल डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, एंड उसी बूस्टिंग की वजह से इसके अटैक हमें बहुत इफेक्ट देने वाले, एंड हमारे अटैक उसको उतना कुछ इफेक्ट नहीं देंगे। तो इसको फटाफट अगर हमने हराया नहीं तो ये हमें हरा देगी। एंड टोगेकिस को अब मैं थंडर बोल्ट से ही हराना चाहूँगा, एंड ये बार बार ऑरा स्पीयर अटैक कर रही है, तो इसको विटनी ने कोई अलग मूव नहीं सिखाया क्या यार। एक ऑरा स्पीयर है एंड एक
क्लेम माइंड है उतना क्लेम अप ऐसा कुछ तुम होगे, जिससे इसका स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस बूस्ट होता है एंड ओनली एक और स्पीयर अटैक बार बार हम पे ट्राई कर रही है। तो मेरे को थोड़ा डाउट है कि इसको और कोई मूव आता नहीं है क्या, विटनी ने इसको कोई मूव सिखाया नहीं है क्या, या अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओ गॉड, ये हार चुकी है और एक क्रिटिकल हिट गाड़ी और का जो ठंडा बोले क्रिटिकल हिट लग गया, और क्रिटिकल लग जाता है तो लगभग सारे के सारे फेंट हो जाते हैं। तो फिर मिल्टैंग आ रहा है अभी एंड मिल्टैंग के लिए तो फिर मैं बुलाना चाहूँगा टाइफ्लोजन को बुला लेता हूँ। एंड मिल्टैंग फाइनली एक नॉर्मल पोकेमोन है एंड उसके लिए मेरे पास फाइटिंग टाइप मूव है एंड फोकस पंच अगर मिल्टैंग को लग गया तो फिर मिल्टैंग आराम से फेंट हो जाएगा। एंड मिल्टैंग का लेवल है 78 एंड ये टाइफ्लोजन का लेवल है 80 एंड तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लेवल हमारा सिर्फ ज़्यादा लेवल ज़्यादा नहीं है। तो यार मेरे को थोड़ा और रेड कैंडी यूज़ करना चाहिए था अपने पोकेमोन का लेवल अप करने के लिए। कोई बात नहीं, हम अभी भी इसको हरा सकते हैं एंड इसकी डिफेंस पावर एंड अटैक पावर बढ़ चुकी है। तो भाई ये लोग अपने डिफेंस पावर एंड अटैक पावर बढ़ा बढ़ा के हमारी वार्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक और फोकस पंच की हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड आई थिंक सो अब मिल्टैंग अटैक यूज़ करेगा तो फोकस अभी अपना टूटने वाला है। तो अब अर्थक्वेक ट्राई करना पड़ेगा एंड अर्थक्वेक से अगर मिल्टैंग फेंट हुआ तो हुआ, वरना फिर मैं फ्लेम थ्रोर भी ट्राई करूँगा। तो ये हमें बॉडी स्लैम से मार रहा है भाई। तो मिल्टैंग का वेट कितना होगा यार? तो अभी टाइफ्लोजन को थोड़ा हील करना पड़ेगा एंड आई थिंक सो मेरे पास फुल रिस्टोर है तो मैं कोई अदर ऑप्शन नहीं ट्राई करूँगा क्योंकि मैक्स पोशन है। तो मैक्स पोशन से पहले तो मैं अपने टाइफ्लोजन को हील करवा लेता हूँ ना, फेंट हो जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होने लगेगी। कोई भी पोकेमोन हमारा फेंट नहीं होना चाहिए एंड एक बार फिर ये बॉडी स्लैम यूज़ कर रहा है। रुक जा भाई, तेरे को मैं बताता हूँ अभी रुक। एंड इस बार तो मैं अटैक ट्राई कर ही लेता हूँ। कितनी बार हील करूँगा यार? इस बार फ्लेम थ्रोर ही ट्राई करूँगा क्योंकि अर्थक्वेक एंड फोकस पंच तो इसको अभी लगेगा नहीं क्योंकि मिल्टैंग फॉर्म में आ चुके हैं एंड वो भी अटैक कर रहे हैं। एंड फाइनली फ्लेम थ्रोर से मिल्टैंग हार चुका है एंड व्हाट अगला पोकेमोन कौन सा है? ब्लेसी है। तो फिर ब्लेसी के लिए मैं पोकेमोन स्विच करूँ क्या? तो इस बार मैं स्वाम्पर्ड को बुलाता हूँ एंड आई थिंक सो फ्लोरजेल ब्लेसी को इतना कुछ डैमेज नहीं देगा। तो फिर मेरे को फ्लोरजेल के ऊपर पूरा भरोसा है एंड फ्लोरजेल ब्लेसी को हरा ही देगा। तो ब्लेसी तो एक अच्छी पोकेमोन यार, उसको पोकेमोन सेंटर में मैं देखता हूँ ना तो मेरे को अच्छा लगता है एंड जब मैं बैटल में ब्लेसी को देखता हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लगता नहीं, मगर ब्लेसी एक पावरफुल पोकेमोन है एंड वो बैटल भी कर सकती है एंड पोकेमोन की देखभाल तो बहुत अच्छे से कर सकती है। तो इस बार एक बार और फोकस पंच ट्राई करता हूँ, अगर ब्लेसी ने कुछ अटैक नहीं किया तो फोकस पंच लगेगा, वरना ओहो। तो हमारा फोकस बार बार टूट रहा है, हमारे स्वाम्पर्ड का फोकस टूट रहा है, तो हमें अब फोकस पंच के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब हमें दूसरा कोई मूव ट्राई करना चाहिए जैसे कि मडी वाटर। एंड मडी वाटर से ब्लेसी को इतना कुछ डैमेज तो पहुँचा नहीं है एंड ये अपनी अटैक पावर एंड डिफेंस पावर बढ़ा रही है तो स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस इसका बढ़ चुका है। तो इसको हराने के लिए अब हमें अर्थक्वेक के ऊपर ही भरोसा रखना पड़ेगा एंड अर्थक्वेक से हम इसको हरा सकते हैं। तो एक बार फोकस पंच ट्राई करते हैं क्योंकि अभी ये अटैक पावर एंड डिफेंस पावर बढ़ा रही है। हाँ चलो, तो अभी अटैक पावर एंड डिफेंस पावर बढ़ा रही है तो अभी फोकस पंच अभी लगेगा एंड फोकस पंच की पावर 150 है तो फोकस पंच इसको अच्छा खासा डैमेज दे सकता है मेरे ख्याल से। तो अच्छा डैमेज देगा एंड आपके ख्याल से क्या है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। ब्लेसी हार रही, ओहो हार गई, सुपर इफेक्टिव मूव था एंड ब्लेसी भी हार चुकी है। तो फिर हमने लगता है कि विटनी को हरा दिया है। तो यहाँ पे एलाइट फोर की सेकंड मेंबर जो है विटनी, उसको भी हम लोग ने हरा दिया है। तो फ्रेंड्स विटनी भी हार चुकी है एंड अभी दो मेंबर और बाकी है एलाइट फोर के एंड विटनी क्या बोल रही है? इट्स जस्ट अ लॉस विटनी, जस्ट अ लॉस। ओहो सी पी एक हार है, सिर्फ हार है। आई एम सॉरी, आई गेट सैड वेन एवर आई लॉस। ओहो, तो विटनी बोल रही है कि वो हारती है तो थोड़ी दुखी हो जाती है एंड सबका यही हाल है, हारने के बाद सब दुखी हो जाते हैं। स्निफ जस्ट गो ऑन द नेक्स्ट रूम एंड अब क्या बोल रही है? इट इज़ वे बोरिंग वेटिंग फॉर चैलेंजेस, आई मीन लुक अराउंड, आई मीन दिस ब्लैंड रूम ऑल द टाइम बट एटलीस्ट इट्स पिंक। हाँ तो विटनी बोल रही है यहाँ पे थोड़ा बोर होता है अकेले रहने में एंड ट्रेनर्स का वेट करने में। तो ये एक सिर्फ बड़ा रूम है एंड ये पूरा का पूरा चारों तरफ से पैक अप है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने पोकेमोन से टॉक आउट कर सकती हूँ और यहाँ पे कोई ट्रेनर आएगा नहीं, जल्दी कोई आता नहीं है, इसके लिए मेरे को बोर फील होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड वीडियो पसंद आएगी तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको हमारे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना है, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना है।
तो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं तो यार प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि जितने पोके फैंस वीडियो को एंजॉय करेंगे उतना अच्छा लगेगा मेरे को। एंड आपके सपोर्ट से मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो मैं उतनी फास्ट एंड फास्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट मिला तो मैं एक दिन में दो दो वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ वॉच माय ओल्ड वीडियोस आल्सो। यू विल गेट द ऑल द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन भी चेकआउट कर लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे लिंक्स मैं डाल दूंगा। तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।